राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके स्थित ही यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली पुलिस की तरफ से हास्याय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके इलाके के सभी धर्मों के लोग, पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी एक साथ बैठकर सम्मेलन का लुत्फ उठाया। इस दौरान कवियों ने ऐसा समा बांधा कि कोई अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया। विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक को कवियों ने नहीं बख्शा। जीवन की भाग दौड़ में रिश्तों की पूंजी नीलाम हो जाती है, ये खुशी की चाहत में जिंदगी गमों के नाम हो जाती है। ठहाकों से शुरुआत करते थे हम कभी सवेरों की, और आज अक्सर बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक काम के तनाव के बीच इस तरह के कार्यक्रम मानसिक तनाव को दूर करते हैं। इसके साथ साथ ही बच्चों का एक सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया, जिसमें 10 दिनों का उनको कोर्स किया गया, 1500 बच्चियों का, और उनको बाद में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया। उनको दिल्ली पुलिस का ही अंग बनाया गया ताकि वो अपने आप को भी सक्षम बना सकें और दूसरों की मदद कर सके ज़रूरत आने पर। हमारा सीनियर सिटीज़न को लेकर के, जो कि दिल्ली पुलिस की प्रायोरिटी है, उनका फ्री हेल्थ चेकअप कैंप कराया गया, और साथ ही में एक उनके मनोरंजन के लिए एक हास्य कवि कविता का आयोजन भी किया गया, जिसमें हमारे सीनियर सिटीज़न, हमारे एरिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट जज रह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, और रिटायर्ड ऑफिशियल्स, और साथ ही साथ पुलिस मित्र जो है वो इसमें शामिल हुए। दिल्ली से राकेश सोनी, जीवे पंजाब के लिए।